हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2022 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। गाइस, एक अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। ये नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था और आगे करने वाले हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी 2022 ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। सभी स्टेट्स की अपडेट गाइस आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइज, ये अर्जेंट अटेंशन नोटिस आप देख सकते हैं, लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस है। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स और कॉलेजेस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया गया है इसके अंदर वो देख लीजिएगा। इन रेफरेंस टू राउंड वन ऑफ यूजी काउंसलिंग 2022, रिपोर्टिंग इज शेड्यूल्ड टू एंड ऑन 28th October। ठीक है, रिपोर्टिंग जो था शेड्यूल किया गया था 28th October तक। इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन दैट कैंडिडेट कैन रिजाइन द सीट ऑफ राउंड वन। अब जो भी स्टूडेंट अपनी सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 1st November इवनिंग 5 PM तक कर सकते हैं। आफ्टर विच दे विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ राउंड टू एंड द सेम रूल्स विल अप्लाई ऑन दैम एज एप्लीकेबल फॉर राउंड टू ऑफ काउंसलिंग। ठीक है गाइस, तो जो भी अपनी सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो वो रिजाइन कर सकते हैं। अभी टाइम है 1st November तक, आफ्टर दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। उसके बाद गाइस दिया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन, दैट द अलॉटेड कॉलेज फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। इन सच अ केस कैंडिडेट विल बी डीम्ड टू ऑक्यूपाई द सीट स्टिल एंड रूल्स ऑफ राउंड टू विल अप्लाई। Any letter other than resignation letter generated through online portal will not considered as resignation letter. In case candidate is resigning by sending email to college, he or she should make sure that they receive resignation letter generated through online portal of MCC. तो गाइस, जो भी रिजाइन करना चाह रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है, MCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको resignation letter जो है generate करना पड़ेगा और वो आपको रखना है। इन केस कैंडिडेट गिव्स कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन, जो भी स्टूडेंट जैसे रिजाइन नहीं करना चाह रहे, अपग्रेड करना चाह रहे हैं इन राउंड टू के अंदर, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट्स इन राउंड टू काउंसलिंग बट इज़ नॉट अपग्रेडेड, ही और सी कैन नॉट रिजाइन द सीट अलॉटेड इन राउंड टू एंड विल हैव टू रिटेन द सीट। इन सच अ केस ऑफ रूल राउंड टू विल अप्लाई सिंस द कैंडिडेट हैज एक्सरसाइज्ड choices and participated in round 2, there is no option of resignation. If candidate is not upgraded in round 2, round 1 joined candidates who neither participate in round 2 nor resign the seat of round 1 will be considered part of round 2 after the stipulated time. ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिलेटेड, तो कि राउंड वन में अगर हमें सीट मिल गई, हम अपग्रेड करना चाहे तो कैसे करें, या हम अपनी सीट को रिज़ाइन कर रहे हैं तो पिछले वाले सीट का क्या होगा। गाइस, रिज़ाइन कर दिया तो रिज़ाइन कर दिया, वो सीट आपकी छूट गई। ठीक है, हाँ, अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं। अगर कोई अच्छा कॉलेज, आपके मनपसंद का कॉलेज आपको मिल गया, देन इट्स ओके। अगर वो नहीं मिलता है तो पिछली वाली सीट आपको मिल जाती है। ठीक है, तो हैंस कैंडिडेट हु डिजायर टू रिजाइन दिस सीट ऑफ राउंड वन शुड डू सो बाय 5 PM ऑफ 1st November बिफोर द राउंड टू कमेंसेस। ठीक है, तो 1st November इवनिंग 5 PM तक अपनी सीट को रिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी रिज़ाइन करना चाहते हैं। तो ये अर्जेंट अटेंशन नोटिस है स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी गाइज, अगर किस चीज़ को लेकर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।